जी पिताजी, प्रणाम। अच्छा, आप लोग आ रहे हैं? हाँ, आप लोग आ जाइए। नहीं, मैं आऊँगा आपको लेने रास्ते में। ठीक है ठीक है, आ जाइए आप लोग। अच्छा सुनो। हाँ। अरे कुछ दिनों के लिए मम्मी पापा आ रहे हैं रहने के लिए। मम्मी पापा आ रहे हैं, और मुझे बताया क्यों नहीं? इसमें बताने वाली क्या बात है? हाँ, नौकरानी तो बैठी है ना घर पे तुम्हारा काम करने के लिए। तुम्हें एक बार मेरे से पूछ लेना चाहिए था, उन्हें घर पे बुलाऊं या ना बुलाऊं? अरे सब पूछने वाली क्या बात है, मम्मी पापा आ रहे हैं, उनका मन है हमसे मिलने का, तो क्या दिक्कत है, आने दो। ठीक है, मम्मी पापा आ रहे हैं ना, तो एक काम करना, बर्तन भी तुम्हें धोना, खाना भी तुम्हें बनाना, कपड़े भी तुम्हें धोना। मैं नहीं करने वाली कुछ काम, जब देखो काम काम काम, नौकरानी बना के रख दिया है। सुनो, तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं ना, उनका काम खुद ही करना। तो क्या काम नहीं करने वाली स्नेहा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? स्नेहा मुझे एक बात बताओ, सिर्फ तुम्हारे कहने पे, सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपने माँ बाप छोड़ दिए, तुम्हारे साथ यहाँ पे रहने लग गया, और इतने सालों बाद जब मेरे माँ बाप मुझसे मिलने आ रहे हैं तो तुम्हें वो भी पसंद नहीं है? हाँ, नहीं पसंद है, और सच कहूँ ना, मुझे तुम्हारे बूढ़े माँ बाप बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम्हारे और मेरे बीच में कोई ना आए, और अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। अभी अपने माँ बाप को फोन लगाओ और बोलो कि यहाँ ना आए। स्नेहा, स्नेहा वो मेरे माँ बाप हैं और वो यही रहेंगे। अगर तुम्हें अपने मायके जाना है ना, तो शौक से जाओ। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें रोकूंगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। अच्छा, तो तुम अब अपने माँ बाप के लिए मुझे बोल रहे हो कि मैं अपने मायके चले जाऊं? स्नेहा, स्नेहा मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, उन्होंने मुझे पैरों पे खड़ा होना सिखाया है, और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैंने उनको छोड़ के यहाँ तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। स्नेहा तुमने कभी सोचा, तुमने कभी सोचा कि उनकी खुशी का क्या, वो बेचारे मेरे बूढ़े माँ बाप कैसे रहते होंगे मेरे बिना? ठीक है, रहो तुम अपने मम्मी पापा के साथ, और अगर तुम्हें शादी के बाद भी ना मम्मी मम्मी पापा पापा करना है ना, तो तुम उन्हीं के साथ रहो। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के अपने मायके। ठीक है स्नेहा, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो यही सही, अगर तुम्हें जाना है ना तो तुम शौक से जा सकती हो, तुम्हारा यही फैसला है तो यही सही। वैसे भी मैंने अपने माँ बाप को बहुत दुख दे दिया उनसे अलग रह के, अब वो मेरे साथ रहेंगे, यहीं रहेंगे, तुम्हें भले अच्छा लगे या बुरा। अरे माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि वो बड़े होकर कुछ कर सके, अपने माँ बाप की सेवा करें, और तुम्हारी वजह से मैं अपने माँ बाप से अलग रह रहा हूँ यहाँ पे तुम्हारे साथ। और स्नेहा, अब जब तक मेरे बूढ़े माँ बाप जिंदा हैं ना, उनकी सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम्हें जाना है, शौक से जाओ, नहीं रोकता मैं तुम्हें। जा रही हो ना, शौक से जाओ। अगर तुम्हें यह गलत फहमी है कि मैं अभी तुम्हें रोकूंगा, तो बिल्कुल भी नहीं, जाओ यहां से। हाँ हाँ, जा रही हूं, मैं भी देखती हूँ मेरे बिना कैसे करते हो तुम सारा काम। देख बहन, मैं उम्र में तेरे से छोटा हूँ, पर तू पिछले 6 महीने से घर पे बैठी है। समाज वाले ताने देते हैं कि तू अपने ससुराल कब जाएगी। देख बहन, गलती जीजा जी की नहीं है, कुछ टाइम बाद शादी मेरी भी हो जाएगी, यही सेम चीज मैं करूँगा तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। एक लड़की की खुशी ना उसके माँ बाप होते हैं। मेरी बहन, मेरी बात को मानो, जीजा जी के माँ बाप को अपने माँ बाप समझो, उनके साथ रहो और उनका ध्यान रखो। और जीजा जी अभी ध्यान नहीं रखेंगे अपने माँ बाप का तो कब रखेंगे? माँ बाप हमें बड़े नाजुक से पालते हैं कि बड़े हो गए हम उनको भी अच्छे से रखें। और बहन, तुम जीजा जी की खुशी छीन रही हो। देख बहन, मैं तो बस यही चाहूँगा कि उनके साथ रहो, ताकि बहन वो भी खुश रहे और तुम भी खुश रहो, परिवार बना रहे। तुम? हाँ मैं, सॉरी अनिल, मुझे अपनी गलती का रियलाइज हो गया है, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रही थी। मैं कैसे भूल गई कि बच्चों की खुशी उनके माँ बाप में ही होती है, और मैं तुम्हें उन्हीं से अलग कर रही थी। मुझे माफ कर दो अनिल, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी, और तुम्हारे माँ बाप के साथ खुशी से रहूंगी। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, और तुम्हें पता है मम्मी पापा ना आज हरिद्वार गए हैं नहाने,
वो कल तक आ जाएंगे। अब तुम अंदर आ जाओ, मेरे साथ बैठ के बातें करते हैं। आ जाओ।